तो योजनाओं का एक बड़ा बड़े स्तर का सिलसिला है जिसमें एक एक करके मैं लेकर चलूँगा। कहिए तो मंत्रालय वाइज हो जाए, एक एक मंत्रालय को ले लेते हैं उसके, है ना। तो लिखिए भारत, भारत सरकार की वर्तमान योजना है। लिखिए पहला मंत्रालय लेते हैं हम लोग, पहला मंत्रालय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत योजनाएं, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत योजनाएं, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत योजनाएं। पहली योजना है, देखो वित्त मंत्रालय मतलब पैसा रुपया से जुड़ी हुई योजना होगी, किसी को सैलरी देना होगा, किसी को पेंशन देना होगा, ठीक है। तो ये जितना भी योजनाएं होंगी पैसे से जुड़ी हुई योजनाएं होंगी वित्त मंत्रालय में। अब क्या किया गया, 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत सारे काम, सरकार पेंशन स्कीम बहुत सारी लेकर के आई है। जैसे कि पहली स्कीम है जिसके हेडिंग डालिए प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना, प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना, प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना। बताइए भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सुपर। अभी आई है लेटेस्ट योजना है, 2017 में आई है, आने की डेट लिखिए, कब आई है, प्रारंभ तिथि लिखिए 21 जुलाई 2017। सबसे पहले कितना होनी चाहिए उम्र, 60 साल के ऊपर, लिखे 60 साल या उसके ऊपर, 60 वर्ष या उसके ऊपर, उम्र का क्राइटेरिया ये है, एलिजिबिलिटी ये, हम लोग के लिए नहीं है योजना। वरिष्ठ नागरिक हेतु शुरू की गई पेंशन योजना है, वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने, वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न मिलेगा, 8% की गारंटी शुदा रिटर्न मिलेगा वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न मिलेगा, गारंटी शुदा रिटर्न मिलेगा। इस योजना की निवेश की अवधि 31 मार्च 2020 है। अच्छा, केंद्र प्रायोजित योजना है कि केंद्रीय योजना है, केंद्रीय योजना, इसलिए इसकी लास्ट डेट है। मैंने आपको बताया था केंद्र प्रायोजित योजना में लास्ट डेट नहीं होती है, केंद्रीय योजनाएं हैं, इसको एक डेट बना के रखा गया है। नेक्स्ट, कितना है लास्ट डेट, लास्ट वाला। इस योजना की निवेश अवधि 31 मार्च 2020 है। नेक्स्ट डालिए, अगली पेंशन योजना है वरिष्ठ पेंशन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ, नेक्स्ट पेंशन योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वीपीबीवाई। प्रारंभ तिथि है 24 जनवरी 2017। अब देखो ये योजना LIC की योजना है, LIC भारत सरकार का ही है, LIC के द्वारा जो है ये योजना केवल LIC में मिल सकती है आपको, ठीक है। LIC के द्वारा ये योजना निकाली गई है और ये भी सेम है, 60 साल से ऊपर होने चाहिए, 8% का रिटर्न मिलना है, 10 वर्षों की अवधि है, बिल्कुल सेम है जितने भी फीचर्स हैं, बस ये है कि ये भारतीय बीमा निगम द्वारा निकाली गई। लिख लीजिए 60 वर्ष और उसके अधिक नागरिकों को, 60 वर्ष या उससे अधिक नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, इसका उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, इस योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम, इस योजना का संचालन
भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उनकी जमाओं पर 8% उनकी जमाओं पर 8% की ब्याज आधारित पेंशन 10 वर्षों तक प्रदान की जाएगी। 8% ब्याज आधारित पेंशन 10 वर्षों तक प्रदान की जाएगी। ठीक है, 10 वर्षों तक प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट डालिए, अटल पेंशन योजना कब आई, डेट क्या है आने की? 2015 में आई है। डेट लिखिए 9 मई 2015। कोलकाता में 3 योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, 3 योजनाएं आई थी 9 मई 2015 को। सबसे पहली चीज़ असंगठित क्षेत्र के लोगों को है, ठीक है, लिखिए असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को। असंगठित क्षेत्र मतलब जैसे कृषि संगठित क्षेत्र नहीं है ना, असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के उपरांत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 60 वर्ष की आयु के उपरांत 60, देखो इसमें उम्र 60 से कम ही होनी चाहिए, 60 मैक्सिमम लिमिट है, उनमें दोनों में 60 से शुरुआत हो रही थी, यहाँ पे 60 से कम की लिमिट है, 60 वर्ष से कम। जैसे अभी आप चाहो तो अपना अटल पेंशन करवा सकते हो, लेकिन जैसे ही 60 आप ऊपर करोगे, जैसे ही 60 पार करेंगे, वैसे ही आपको पेंशन मिलना चालू होगी। किस आधार पे? आपके अंशदान के आधार पे, जितना आप जितने की आप प्रीमियम लेंगे, जितना आप अभी दे रहे हो उसी आधार पे आपको मिलेगा, ठीक है, अंशदान के आधार पर ही आपको पेंशन मिलेगी। तो लिख लीजिए इसको, असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के उपरांत उनके अंशदान के आधार पर, उनके अंशदान के आधार पर 1 न्यूनतम निर्धारित पेंशन प्रदान करना, यह एक गारंटी युक्त पेंशन स्कीम है। यह एक गारंटी युक्त पेंशन स्कीम है जिसका प्रबंधन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण करता है, जिसका प्रबंधन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, PFRDA बोलते हैं इसे, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सबका खाता है बैंक में, ठीक है, आप चाहो तो अपने खाते से पैसा कटवा सकते हो, यदि आप 18 साल के हुए हैं, है ना, 18 साल से 50 साल तक के जितने भी लोग हैं, इस उम्र वर्ग के लोग क्या कर सकते हैं, अपने उससे 330 रुपये, आप जाइए बैंक वाले से बोल दीजिए, बैंक वाला ऑटोमेटिक हर साल 330 रुपये आपके खाते से कट जाएंगे, ठीक है। ये किस लिए दिया जा रहा है? दुर्घटना बीमा नहीं है, मृत्यु के बाद, जैसे ही मृत्यु होगी यदि 50 साल के बाद या उससे पहले कभी भी होगा तो 2 लाख रुपये का बीमा मिलेगा आपको, ठीक है, जीवन सुरक्षा को लेकर के इंश्योरेंस है ये। लिखिए इसमें, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर
बीमा कवरेज प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमा कवरेज प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अठारह से पचास वर्ष के बैंक खाता धारकों, खाता होना जरूरी है आपका, ये भी ध्यान रखिएगा इसमें। 18 से 50 वर्ष के बैंक खाता धारकों को मात्र बीमा योजना 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम को मात्र बीमा योजना 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा है, 2 लाख का जीवन बीमा है। ठीक, नेक्स्ट, अगली योजना शुरू हुई है 9 मई। 3 योजना एक साथ शुरू हुई है 9 मई 2015। अब एक बनाई गई, ये तो हो गई देखो मृत्यु के लिए, ये मृत्यु है। एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, लिख लीजिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका नाम क्या है? सुरक्षा बीमा। ये जीवन बीमा नहीं है, जीवन बीमा जितनी भी है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मृत्यु के बाद है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना दुर्घटना होने की स्थिति पे है। इसका प्रीमियम बहुत कम है, कितना भी प्रीमियम 12 रुपये प्रति साल, आप इसको भी करवा लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं तो 2 लाख के आदमी तो बन जाएंगे हम, कुछ हुआ तो है ना। हाँ तो अच्छा कट रहा है, 2 लाख का है इनका वैल्यू, कुछ भी होगा, दुर्घटना होगी, कुछ भी होगा, 2 लाख रुपये उससे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, लिखे 9 मई 2015 को प्रारंभ हुआ, डेट लिख लीजिएगा, वही डेट है, सेम डेट, 9 मई 2015 को प्रारंभ तिथि। इसमें लिखे दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति तक भी, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति तक, या मृत्यु हो गई हो, ये भी है उसमें है, किसी भी कारण से आप बीमार हो गए, जुखाम हो गया, पता चला नहीं पड़ गए, आज के समय तो पता ही नहीं चलता, आदमी बैठे बैठे नहीं पड़ जाता है, रात में सोए थे, सुबह उठाए गायब, क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया, पता चला कोई चीज़ सोचते सोचते दिल का दौरा पड़ गया, दिल तो दिल ही है ना। इस समय नवाज शरीफ साहब जो हैं प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान, बड़ी नाजुक स्थिति में है। एक तो पनामा लेकर पेपर लीक में फंस गए, चले गए जेल, उन्हें नहीं पता था बुढ़ापा ऐसा कटेगा, उन्होंने इसलिए थोड़ा ना पनामा में पैसा जमा किया था कि बुढ़ापे में यह हाल होगा। स्विस बैंक में आदमी पैसा इसीलिए जमा करता है कि बुढ़ापे में मजे करेंगे, अभी बढ़िया है, फंस गए। मजा सर अभी की लाइफ है, देखो एक पर्सन था चवार्क, है ना, चवार्कवाद कहता है कि हमें हमेशा आनंद से रहना चाहिए, यदि कर्ज लेकर के भी घी पीना पड़े, है ना, क्या है सुनाइए पूरा पूरा। हाँ अच्छा असेंबल कर लिया जाए, समझ रहे हैं इसको, जब भी जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के भी घी पियो, चवार्कवाद। अनियतवादी थे ये, अनियतवादी दर्शन इनको कहता, ये कहते जो भी है नियति करती है, हम कुछ नहीं करते, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो नियत, तो बढ़िया आराम से एक तो बढ़िया हुक्का का पैक लेकर के पड़े रहना है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, जो होगा नियत करेगी, नियत बना देगी डीएम। हाँ वो कह रहे हेल्थ भी खराब हो रहा है तो सब नियतवादी। ऐसे ही एक और थे मक्खली गोशाल, आजीवक संप्रदाय, है ना, जैनिज्म से अलग हुआ, पढ़ेंगे जब हम लोग हिस्ट्री पे आएंगे तो मैं आपको भारत के सभी संप्रदाय और सभी दर्शन पढ़ाऊंगा, अलग ही मजा है उनको पढ़ने का। फिलॉसफी ले सकते हैं, अच्छा है, बढ़िया है, आपके अंदर यदि एक फिलॉसफर है तो ले लीजिए, मैं इतना टाइम थोड़ा ना अपने पास खाली का, ठीक है, अब फिलॉसफी वगैरह मैं फिलॉसफर नहीं हूँ, ये ध्यान रखिएगा, मैं एक
मैं एक प्रशासक हूँ, बस ये कह सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ना मैं हिस्टोरियन हूँ ना पॉलिटिक्स, देख रहे हैं सब कुछ है, फिलॉसफी नहीं अभी, इतिहास की भर पता है थोड़ी बहुत, फिलॉसफर बहुत अलग होते हैं, सोच अलग होती है, उनका तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका ही अलग होगा, पता नहीं क्या से क्या बोल जाएंगे। नहीं ऐसे कैसे पढ़ा सकते हैं, होना भी चाहिए, वो गुण भी नहीं है अपने अंदर। चलो आगे बढ़ो आप लोग। प्रधानमंत्री इसमें क्या है, दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति तक या मृत्यु होने तक जोखिम कवरेज प्रदान करना, जोखिम कवरेज प्रदान करना, यह 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए, 18 से 70 आयु वर्ष के लोगों के लिए मात्र 12 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं होता, 1 रुपये महीना। जैसे कि आप IRCTC में जाते हैं ना, जब टिकट करेंगे तो नीचे लिखा रहेगा 1 रुपये का बीमा करवा लीजिए, और आप लोग जो हैं चिंदी टाइप के लोग 1 रुपये का बीमा नहीं करवाते लोग। ओला में भी चलते हैं ना, तो ओला में भी नीचे ऑप्शन आता है 1 रुपये का बीमा करवाने का, 1 रुपये का बीमा करवा लेंगे तो शायद कुछ मिल जाए। और रेलवे में एक चीज़ मुझे ये समझिए, जो रिजर्वेशन वाले होते हैं मुआवजा उन्हीं को मिलता है, क्योंकि उनका डाटा रहता है, जनरल वाले जनरल की तरह निपट जाते हैं, कुछ नहीं मिलता उन्हें, जनरल की यात्राएं खतरनाक होती है, वैसे ईश्वर करे कभी ये घटनाएं ना हो। नेक्स्ट, 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख तक का साधारण बीमा, 2 लाख तक का साधारण बीमा या दुर्घटना बीमा प्रदान करना, साधारण बीमा या दुर्घटना बीमा प्रदान करना। नेक्स्ट अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, खूब नाम जानते हैं इसका, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बताइए भाई पूरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत एक राशि का एक फंड बनाया गया, जिसके अंतर्गत जो हमारी जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें स्टेब्लिश करने के लिए या पैसा देने के लिए उन्हें पैसा दिया गया, मतलब उसे सही है भाई, MSME सेक्टर है वो। यदि मुझे नहीं मिलेगा, यदि मुझे चाहिए, आपको यदि कोई व्यापार खोलना हो तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देगी कि नहीं देगी? देगी। यानी कि यदि कोई नया व्यापार खोलना चाहे तो सरकार ने 3 कैटेगरीज पर आपको एक तरीके से ऋण देने का काम किया है। पहला है युवा शिशु, फिर किशोर, फिर तरुण, ये 3 तरीके, तीनों का क्राइटेरिया, एक में 50,000 तक का ऋण है, एक में 5 लाख का, एक में 10 लाख तक का है। लिखिए, उनका भी है वो अलग है, बताऊंगा भी उसके लिए, अभी आगे योजना आएंगी। नेक्स्ट लिखिए इसमें, 8 अप्रैल 2000 कब आई है, 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2015 को आई है योजना। इसका उद्देश्य नया व्यापार शुरू करने एवं पुराने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ऋण प्रदान करना, एवं पुराने व्यापार को, सिड भी इसको देख रही है, इसी के अंदर प्रधान मुद्रा बैंक बनाया गया है, ठीक है, बिल्कुल, नया व्यापार शुरू करने और पुराने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ऋण प्रदान करना। इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, इस योजना के तहत 3 प्रकार कर दिए जाते हैं। नंबर 1, शिशु ऋण 50,000 रुपये तक, ये तो आपको आसानी से मिल जाएगा, किसी को चाहिए तो नहीं, यहीं पर मिल जाएगा कोचिंग के अंदर ही, क्यों शिवानी जी? शिशु ऋण थोड़ा ब्याज ज़्यादा रहेगी, मैं मेरा भी कमीशन होगा ना, एजेंट के तौर पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट, वो पार्टी के ऊपर है, जरूरत पड़ेगी पहले रखना पड़ता है उसके लिए, आपके पास सोना चांदी कुछ होना चाहिए, कोचिंग वालों के लिए भी यही, इसमें विश्वास चलता है इस बिजनेस में, एक दफे मूलधन नहीं लेंगी, इनको मूलधन से कोई मतलब नहीं, इनको ब्याज से मतलब होता है। जो आदमी सूद में पैसा देता है उससे कहोगे कि भैया 5,000 रुपये, पहले कहता है पहले मैं मूलधन काट लूँ, पहले ब्याज काटते हैं, मूलधन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना रखे रहो, वो तो भैया ऐसे ही, वो इन्वेस्टमेंट है, ब्याज के मामले में खतरनाक होते हैं।
आपको भी कुछ मिला है? अभी तक नहीं। चलिए नेक्स्ट। और तो कोई नहीं यहाँ पे देता? आप लगते हैं अच्छी चीज है, सहयोग करना चाहिए। आपस में तो आप लोग लेन देन करते ही रहते होंगे, मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में होता है कि 500 रुपये ऐसे छोटा छोटा ऋण चलता रहता है। अच्छा, बिना ब्याज के ये सबके बैंक में जमा कराते हैं? बिना ब्याज के? अच्छा, इस्लामिक पद्धति, ये सब इस्लामिक बैंकिंग पे फ्री पैसा लेना। क्यों जुबैर जी, कुछ है क्या ऐसी सुविधा? पांच दिनों का मौन है उनका क्योंकि 5 दिन बाद उनका जन्मदिन है, तो उन्होंने कहा कि जन्मदिन में पहले एनर्जी इकट्ठी करनी है मुझे। मजाक कर रहा हूँ, पार्टी लेने में चले जाना अभी मौन भी रहना चाहिए, ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं होता। जो ज़्यादा बोलते हैं, 1-2 दिन का मौन रखा करो। फ्राइडे नहीं आते ना, मौन लिखवा लिख दिया करो, आज मेरा 2 घंटे का मौन है। 2 घंटा भी बहुत होता है, 2 घंटे शांत रह के देखो, अंदर से बहुत बड़ी ऊर्जा आ जाएगी, व्रत होता है एक अपने तरह आपका। नेक्स्ट, चलो ख़त्म करते हैं इसको। पहला है शिशु ऋण 50,000 रुपये तक का। नंबर 2, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख रुपये। किशोर ऋण भी, इसमें थोड़ा सा सरकार ऐसे बैंक थोड़ा सा आपकी KYC करते हैं। किशोर ऋण, शिशु ऋण तो मिल जाता है। तीसरा है तरुण ऋण 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का। तरुण ऋण 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का। सरकार चाहती कितना है? 3 करोड़ लाख रुपए ऋण वितरित करना है सरकार को इस योजना के तहत। लक्ष्य लिख लीजिए, टारगेट है 3 लाख करोड़ रुपए ऋण वितरित करना है। तो उसका क्या नाम था, माल्या, माल्या कह रहे थे पूरा मुझी को दे दो, क्यों छोटा छोटा दे रहे हैं नेक्स्ट, अगला लिखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये भी वित्त मंत्रालय की है, मंत्रालय किसी में नहीं लिखवा रहा हूँ, अभी जब मंत्रालय चेंज कराऊँ तो फिर अगले मंत्रालय की चालू हो जाएगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई? ये तो बड़ी फेमस योजना है, कब शुरू हुई भाई? 2014। हाँ 2014, लेकिन डेट कब थी? 28 बीच का रह गया, 28 अगस्त 2014, बिल्कुल सही। लिखिए उद्देश्य क्या था? बैंक खाते खुलवाना, सभी परिवारों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। लिखिए यह एक राष्ट्रीय मिशन था जिसका उद्देश्य आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास हेतु सभी परिवारों को बैंक खातों से जोड़ना। लक्ष्य क्या है? वित्तीय समावेशन। टारगेट लिख लीजिए, वित्तीय समावेशन। अब तक कुल 33.5 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। अब तक करोड़ 33.5 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 25.6 करोड़ खाते सक्रिय हैं, बाकी सब बाकी लैप्स हो गए, कुछ डिफ़ॉल्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ें, 6 करोड़ सक्रिय हैं। बस आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट मंत्रालय का नाम लिख लीजिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इसमें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, ये सब देखेंगे, प्रियदर्शिनी योजना, ये सब उसमें देखेंगे।